बॉक्स में से आवाज आ रहा है। हाँ, इंटरेस्टिंग बड़ा सा बॉक्स है जिसमें से बहुत सारा आवाज आ रहा है। देखते हैं क्या है अंदर। ओहो, यस दोस्तों, दिस इज पोको M3 और बड़े से बॉक्स में आए हैं। 3 कैंस भी है इसके अंदर। लिखा हुआ है पोको M3 किलर लुक्स ओपी परफॉर्मर। ओपी परफॉर्मर, ओवर प्राइस परफॉर्मर नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता है। ओपी गेमिंग कम्युनिटी में आपको पता है ओपी किस लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है ये। एंड ऑब्वियसली सबसे पहले पोको M3 नहीं, पोको M3 पहले नहीं खोलते, पहले ये नो, आई एम नॉट गोइंग टू पेंट। इधर हमारा स्टूडियो अभी अभी नया बना है, मैं पेंट करने चालू हो जाऊंगा, इट विल नॉट बी गुड। सो वी हैव ग्रीन, वी हैव ब्लू, एंड देन वी हैव ब्लैक, एंड देन वी हैव येलो, राइट। दिस इज द बॉक्स, रखते हैं साइड में। ये पेंट कैंस भी रखते हैं। किसको चाहिए पेंट कैंस? गिव अवे कर दें पेंट कैंस को। चलिए, आज करने वाले हैं दोस्तों पोको M3 का अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस। खोलेंगे इसको, देखेंगे अंदर से बाहर से सब जगह से टेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन ये सब करने से पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। 6000 mAh, यस बड़ी बैटरी है, नंबर 1, इंडियाज नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड। ओके, खोलते हैं बॉक्स को, देखते हैं। राइट, सिम कार्ड टूल है, केस, यस थोड़ा अलग है, कैमरा का जो एरिया है दोस्तों इट इज अ लिटिल डिफरेंट, लुक एट दिस। ओके, टेस्ट करेंगे, दिस इज द फोन। अच्छा लगता है दोस्तों आजकल एडाप्टर बॉक्स में देखने के लिए। दिस इज 22.5 वॉट फास्ट चार्जर एंड USB टाइप सी टू USB केबल। और क्या है, डू यू हैव एनीथिंग? नो, और कुछ नहीं है। चलिए रखते हैं साइड में। वैसे बहुत दिनों के बाद, 3-4 हफ्तों के बाद फुल बॉक्स मिला है चीज़ों का, सो आई लाइक इट, वरना 15-20 सेकेंड्स का अनबॉक्सिंग हो जाता है। ओके, लेट्स ओपन द फोन, लुक एट दिस, ओ माय गॉड। वैसे दोस्तों और एक नया ट्रेंड हो गया है, पीछे की तरफ बड़े बड़े वर्डिंग्स, ब्रांडिंग वगैरह देना, पोको का ब्रांडिंग है, बट यू नो वॉट, आई लाइक दिस। एंड ये फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं आने वाले, ऑब्वियसली प्लास्टिक बैक है, बट स्टर्डी लगती है एंड टेक्स्चर्ड है। Yes, it is textured. And let's put this. Fits quite snugly. बहुत अच्छी तरह से फिट होता है. And nothing, दोस्तों. No. All right. This was the mandatory drop test. सिर्फ basic test ही है. But I like it. Overall, थोड़ा हाथ में broad लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों. Slightly broad, but still manageable. चलिए दोस्तों वेट करते हैं, जब तक वेट हो जाता है मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इट डेफिनेटली इज यूनिक दोस्तों, मतलब जब आप बात करोगे फोन के ऊपर, पीपल आर गोइंग टू नोटिस, देखेंगे तो जरूर कि भाई कौन सा फोन है। लुक एट दैट कलर, यस। ओके, वेट 199 ग्राम्स, बिलो 200 ग्राम्स, 6000 mAh की बैटरी एंड बिलो 200 ग्राम्स इज डेफिनेटली कमेंडेबल। ऑलराइट दोस्तों, इसमें 3 कलर्स आते हैं। मेरे पास जो है वो है पोको येल्लो। जी हाँ, खुद के ही नाम से कलर निकाल दिया है, पोको येल्लो है ये। कूल ब्लू भी आता है एंड देयर इज अ ब्लैक कलर एज वेल, तो 3 वेरियंट्स हैं टोटल। चलिए दोस्तों बाहर तो देख लिया, अब देखते हैं अंदर क्या है, सब कुछ देखेंगे। चालू करते हैं फोन को, जब तक चालू हो जाता है सेटअप करते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी अनबॉक्सिंग अच्छी लगती है लाइक करना मत भूलिए, ऐसे 1 घंटे के अंदर कमेंट भी कीजिए, यू नो व्हाट हैपन। लेट्स टॉक अबाउट दिस डिस्प्ले दोस्तों। LCD डिस्प्ले है एंड 6.53 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले आता है। मैं अगर बेजल्स के वगैरह में बात करूं तो एवरेज साइज के बेजल्स हैं, वाटर ड्रॉप नॉच है, नीचे की चिन मैं कहूंगा एवरेज, स्लाइटली बड़ी है, बट ओवरऑल लुक्स लाइक अ मॉडर्न फोन, स्पेशली विद दैट बैक डिजाइन एंड फ्रंट, अच्छा दिखता है। दोस्तों अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो याद है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर पे। इसमें बेस वेरिएंट जो है वो है 6GB का, नो 4GB ईयर, 6GB 64GB, सेकंड वेरिएंट 6GB 128GB। 64GB की जो प्राइस है वो है 11,000, यस 11,000, एंड 128GB 12,000 रुपीज। अगर आप सोच रहे हो इसे खरीदना, मैं कहूंगा 128GB के लिए जाइए, 64GB आजकल थोड़ी कम लगने लग गई है, बट 6GB रैम वेरी गुड। 6000 mAh की बैटरी आती है, 22.5 वॉट का फास्ट चार्जिंग आता है, USB Type-C है, everything looks good there. But one thing that does not look good is adapter 22.5 watt charge करता है, but phone support करता है 18 watt को.
क्या मतलब बनता है इससे? मतलब आपका फोन 18 वॉट से ही चार्ज होगा, 22.5 से नहीं। स्टोरेज टाइप भी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। UFS 2.1 है 64 GB के लिए, UFS 2.2 है 128 GB वेरिएंट के लिए। नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग। रैम टाइप LPDDR4X। ऑलराइट, बात करते हैं कैमरा के बारे में। अगर आप कंपेयर करते हो Redmi 9 Power से, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है बाकी, लेकिन कैमरा में थोड़ी सी चेंज है। यस, ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है, 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। इट डज नॉट हैव वो जो 8 मेगापिक्सल का Redmi 9 Power में अल्ट्रा वाइड सेंसर था, वो इसमें नहीं है। ट्रिपल कैमरा पीछे की तरफ और आगे सेल्फी सेंसर 8 मेगापिक्सल। ऑलराइट, अगर देख ज्यादा मैंने फोटोज वगैरह नहीं निकाले, नॉर्मल कंडीशन में ठीक ठाक आते हैं दोस्तों। 10-11 हज़ार का फोन है, उसी के हिसाब से फोटो आते हैं। स्क्रीन पे कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूँ, जरूर जाके देखिएगा। जो दो सेकेंडरी सेंसर है दोस्तों, उसमें से एक मैक्रो सेंसर है, अगेन वो भी ठीक ठाक काम करता है। अगेन फोटोज दिखा रहा हूं, देख लीजिएगा। और जो तीसरा सेंसर है वो है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। ओएस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो पोको का फोन है, उसकी वजह से एड्स आपको नहीं दिखते हैं। पोको क्लीन एक्सपीरियंस आपको मिलता है। MIUI 12 है, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10। वैसे अगर क्लीन पोको एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं दोस्तों, तो इतना भी क्लीन नहीं है, क्योंकि कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स जरूर आते हैं। सो यस, दैट इज देयर। बात करते हैं सेंसर्स के बारे में। सभी सेंसर्स आते हैं दोस्तों। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक भी आता है, ऊपर IR ब्लास्टर भी है। सो वेरी गुड, सभी सेंसर्स हैं। और दोस्तों अगर स्पीड के बारे में बात करूं, तो फिंगरप्रिंट सेंसर एवरेज स्पीड है, फेस अनलॉक भी एवरेज स्पीड है, बट रिलायबल है, नो प्रॉब्लम्स है। कनेक्टिविटी के मामले में बात करूं दोस्तों, तो डुअल 4G वोल्टी आता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.0 है। सो कनेक्टिविटी ऑल देयर। दोस्तों बात करते हैं मल्टीमीडिया की, और मेरे हिसाब से अगर डिजाइन नंबर 1 इसका यूनिक एस्पेक्ट है, तो दूसरा बड़ा हाईलाइट जो है मैं कहूंगा मल्टीमीडिया। अच्छी स्क्रीन है बड़ी, 6.53 इंच की FHD प्लस स्क्रीन है, एंड 6000 mAh की बैटरी है, एंड स्टीरियो स्पीकर्स है, एंड वाइडवाइन L1 का सपोर्ट आता है। सो अगर ये पूरा पैकेज देखोगे आप, तो अगर आप बिंज वॉचिंग वगैरह करते हो और 10-11 हज़ार आपका बजट है, आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट मल्टीमीडिया स्मार्टफोन्स इन दैट प्राइस रेंज। ऑलराइट, परफॉर्मेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 662, जी हाँ, टाइम हो गया इस प्रोसेसर को आके, एंड इट इज़ अ रिलायबल परफॉर्मर। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि भाई आप हाई, वेरी हाई सेटिंग्स पे खेलोगे। अगर गेमिंग वगैरह करते हो, COD वगैरह खेलते हो, मैं कहूँगा लो टू मीडियम सेटिंग्स पे खेलिए, मज़ा आएगा आपको खेलने में। बट ज़्यादा हाई नो, नॉट देयर। 662 इज काइंड ऑफ मिड रेंज या फिर लोअर मिड रेंज प्रोसेसर। लेकिन रेगुलर यूसेज में छोटे एप्स वगैरह करते हो, टेम्पल रन वगैरह खेलते हो, आपको मजा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओवरऑल दोस्तों रेगुलर यूसेज में 662 इज मोर देन इनफ। लेकिन परफॉर्मेंस के ही बारे में बात कर रहा हूं, तो एक बात कहूंगा कि इस प्राइस रेंज में आपको 6 GB जनरली नहीं दिखता है। एक रेयरली यू विल गेट 6 GB, अदरवाइज सब 4 GB वाले हैं, तो दैट इज अ बिग हाईलाइट। और स्टोरेज टाइप UFS 2.1 2.2 है दोस्तों इसके अंदर, जिसकी वजह से थोड़ा वो फास्ट होता है। सो ओवरऑल आई विल से इट इज अ रिलायबल परफॉर्मर। OP परफॉर्मर आई एम नॉट श्योर। और दोस्तों बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं, तो FM रेडियो आता है, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, कैमरा टू API का सपोर्ट है, इसका मतलब GCam का पोर्ट जो है वो आप इस्तेमाल कर पाओगे इसके साथ। एंड अगर प्राइस के पास देखूं, तो 10999 प्राइस आई हुई है बेस वेरिएंट की, एंड 11999 फॉर द 128 GB वेरिएंट। ओवरऑल यू नो व्हाट, आई एक्चुअली लाइक दिस फोन। जब मैंने स्टार्ट में जब टीजर्स वगैरह आए थे, इसके फोटोज बाहर आए थे, तो मैंने कहा था ये थोड़ा अजीब लग रहा है, बट यू नो अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को ये जो डिजाइन है ये पसंद आएगा, स्पेशली दैट येलो कलर यंग लोगों को पसंद आएगा। जी हाँ, कॉलेज में जब आप जाओगे लोग डेफिनेटली पूछेंगे। सो प्राइस अच्छी है, दो चीजें स्टैंड आउट है, जैसे मैंने कहा डिजाइन इसका, एंड सेकंड दैट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस। सीरियसली अगर आप बहुत ज्यादा वीडियोज वगैरह देखते हो, तो यू आर गोइंग टू लाइक दिस वन। ओवरऑल मैं कहूंगा दिस इज अ गुड बाय एट दैट प्राइस रेंज। लेकिन दोस्तों याद रखिए, दीज आर माई फर्स्ट इंप्रेशन, ज्यादा टाइम मैंने नहीं बिताया इस फोन के साथ, उसके बेसिस पे कह रहा हूं। सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।